हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है संविधान। इसे हम अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इस अध्याय में हम संविधान और उसके विभिन्न आयामों को जानेंगे। तो आज हम जिन आयामों को पढ़ेंगे वो है संघवाद यानी कि फेडरलिज्म एवं संसदीय शासन पद्धति यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। बच्चों, संविधान के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि संविधान कहते किसे हैं। क्या आपको याद है कि हमारा देश आजाद कब हुआ था? सोचिए। जी हाँ, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और 26 नवंबर 1949 को हमारे देश ने संविधान को अपना लिया। तो बच्चों, संविधान एक किताब है जिसको हमारे देश के कुछ महान पुरुषों ने मिलकर तैयार किया था। यह किताब कुछ ऐसी दिखती है जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। इस किताब में अनेक महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं, जिन्हें जानना और समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों हुई? जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय अंग्रेजों के बनाए कठोर कानूनों को हटाने के लिए संविधान की आवश्यकता थी, क्योंकि अंग्रेजों के समय आम लोगों की सरकार में कोई भी सहभागिता नहीं थी, जिस वजह से आम इंसान पर बहुत अत्याचार किए गए। इन्हीं अत्याचारों को खत्म करने के लिए एक संविधान लाया गया जिसमें हर नागरिक को समानता तथा सरकार में सहभागिता दी गई। अब हम यह जानते हैं कि संघवाद क्या होता है। अभी हमने जाना कि संविधान क्या होता है और संविधान का पहला आयाम है संघवाद। तो संघवाद का अर्थ है एक से ज्यादा स्तर की सरकारें। हमारे देश में बच्चों 3 स्तर की सरकारें होती हैं। पहले स्तर पर होती है केंद्र सरकार जो पूरे देश पर शासन करती है। उसके बाद हर राज्य में एक सरकार होती है, जैसे कि हमारे झारखंड राज्य में भी राज्य सरकार है। उसके बाद आती है स्थानीय स्तर की सरकारें, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में भी स्थानीय सरकार है। तो यहाँ हमने पढ़ा संघवाद के बारे में। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में लिखा है कि कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों को है, लेकिन आप बताइए कि क्या सभी विषयों पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। संविधान में एक सूची बनी है जिसके आधार पर संघ एवं राज्य दोनों ही सरकारों को कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। संघ सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और इसी प्रकार राज्य सूची में दिए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। कुछ विषय ऐसे भी हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों ही सरकारों को है। इस सूची को हम समवर्ती सूची कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ आया बच्चों? अब हम इन सूची में जो विषय दिए हैं उन्हें जान लेते हैं। संघ सूची से हम शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं। तो संघ सूची में जो विषय शामिल हैं वो है वित्त, संचार और सुरक्षा। यह ऐसे विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व रखते हैं और जिन पर पूरे देश में एक ही कानून लागू होता है, इसलिए इन विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राज्य सूची के बारे में। राज्य सूची में भूमि, पुलिस, कृषि जैसे विषय दिए गए हैं। इन विषयों पर राज्य सरकार अपने राज्यों में कानून बनाती है। बच्चों, आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि यह ऐसे विषय हैं जिन पर एक समान कानून बनाने की जरूरत नहीं है। इसी कारण इन्हें राज्य सूची में रखा गया है, ना कि संघ सूची में। तो अभी हमने जाना संघ सूची और राज्य सूची के बारे में। अब जानते हैं समवर्ती सूची के बारे में। समवर्ती सूची में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण जैसे विषय शामिल हैं। इन विषयों पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है।
तो अभी हमने इन तीनों सूचियों के बारे में जाना, लेकिन बच्चों अब जरा यह सोचिए कि अगर समवर्ती सूची में किसी विषय पर मतभेद हो जाए राज्य एवं केंद्र सरकार के बीच, तो कौन सा कानून मान्य होगा? क्या पता है आपको? नहीं? तो बच्चों अब याद रखिएगा कि किसी भी मतभेद होने पर केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। समझ आया आपको? तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और संविधान के अगले आयाम को जानते हैं, जो है संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति की दो महत्वपूर्ण इकाइयां हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। चलिए इन दोनों के बारे में जानते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि संसद क्या होता है और वहां लोगों की नियुक्ति कैसे होती है? संसद, जिसे हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं, एक सभा होती है जिसमें हम नागरिकों के द्वारा चुने गए लोगों को बिठाते हैं और वो लोग कानून बनाते हैं। क्या आपने कभी चुनाव में वोट डाला है बच्चों? नहीं ना, क्योंकि सिर्फ 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक ही वोट डाल सकते हैं और उनके वोटों के आधार पर चुने गए प्रतिनिधि व्यवस्थापिका में बैठते हैं, यानी पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, संसदीय शासन पद्धति की जो दूसरी महत्वपूर्ण इकाई है वो है कार्यपालिका। कार्यपालिका संसद के बनाए कानूनों को लागू करती है। प्रशासन को चलाने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की ही होती है। आपको यह जो तस्वीर दिख रही है वह प्रधानमंत्री का दफ्तर है, जिसे हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी बोलते हैं। यहाँ पर कार्यपालिका में नियुक्त लोग बैठते हैं। संसदीय शासन पद्धति में कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, क्या आपको पता है? वह है राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल के हाथ में होती है और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। क्या आपको पता है कि अभी हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन है? जी हाँ, हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अब देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा। इस वीडियो में हमने जाना कि संविधान किसे कहते हैं, संघवाद क्या होता है और उसकी तीन प्रकार की सूचियों के बारे में जाना। इसके अलावा हमने जाना कि संसदीय शासन पद्धति किसे कहते हैं और इसके महत्वपूर्ण इकाइयों को भी हमने जाना। आशा करती हूँ कि बच्चों, आज के वीडियो में पढ़ाए गए विषय आपको समझ आए होंगे। अगली कक्षा में हम संविधान के अन्य आयामों को जानेंगे। धन्यवाद।